नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल जर्नलिज्म गाइड में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो टाटा स्काई और एयरटेल डिजिटल टीवी की ओर से आई है कि दोनों ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम को मानने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, दोनों ने अभी जो है इसमें एक्सटेंशन ले ली है। और जैसे कि बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको मालूम भी है कि 29 दिसंबर से सभी पैक्स में बदलाव होने जा रहा है सभी डीटीएच और केबल टीवी के लिए। तो ये जो बदलाव है टाटा स्काई और एयरटेल में आपको फिलहाल देखने को नहीं मिलने वाला है। ये जो बदलाव है करीब 10 जनवरी के बाद से ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, बिल्कुल हमने सही सुना है, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है तो उसमें उन्होंने साफ बताया है कि हमने जो है कुछ वक्त के लिए एक्सटेंशन ली है, जिसके चलते एयरटेल डिजिटल टीवी और टाटा स्काई जो है वो 10 जनवरी तक इसके एक्सटेंशन उनको मिली है और 10 जनवरी तक उन पर कोई भी जो है मामला दर्ज नहीं किया जाएगा ट्राई द्वारा कि उन्होंने इस नियम का जो है अप्लाया क्यों नहीं है। तो उसके चलते उनको कुछ दिनों के लिए एक्सटेंशन मिली है और ये जो एक्सटेंशन है 10 जनवरी तक है, यानी 10 जनवरी तक जो है आपका पैकेज जो आप देख रहे हैं उसी प्रकार देखते रहेंगे और जो ट्राई का जो नया नियम लागू होने जा रहा है वो फिलहाल लागू नहीं होगा। ये तो प्रेस रिलीज के जरिए जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन आई उसके मुताबिक है, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। जिस प्रकार से प्रेस रिलीज में जारी किया गया उसी प्रकार से आपको मैंने जानकारी जो है वो मैंने हिंदी में बताई है। इसकी पूरी प्रेस रिलीज जो इंग्लिश में जारी की गई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन उसी प्रकार से थी। यदि मुझे और कोई जानकारी आती है तो जरूर मैं शेयर करूंगा। नमस्कार।